रुक जाओ तुम लोग आ जाओ, आइजल नहीं आई, तुम लोग आ जाओ। चलो आइजल की पहली एंट्री मामा के पास आ गई। पूछो सर आइजल से नीता क्या मंगवाने गए? बिल नाना भरेंगे क्या बोरी बेटा? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आए हैं बॉम्बे आइजल को दावत देने के लिए, फाइनली गाइस वो घड़ी आ चुकी है कि हम लोग लेके जा रहे हैं आइजल को हमारे घर पे पहली बार नवी मुंबई में। तो गाइस यहाँ पे सारे गांव वाले तैयार हो चुके हैं। गाइस देखो इधर थक हार के लोग सो भी गए यहाँ पर, और वो वहाँ पर टॉयलेट करते करते गेम खेल रहा हो, और यहाँ पे ये लोग का सारा, अरे इतना सारा पैकिंग कर लिया तुमने, एक महीने के लिए चल रहे हो क्या? लेकिन सही में गाइस मम्मी लोग जब भी कहीं जाते ना एक दिन के लिए, मम्मी लोग पूरे महीने भर गई ऐसा लगता है पैकिंग कर लिए लोग ने। हम लोग कहीं जाते ना एक बैग इसका एक बैग मेरा छोटा छोटा बस हो जाता है हम लोग का। सुना जाता है एक दिन के लिए जाते हैं, आते ही नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। आज तो मैं बोला हमेशा के रुकने आओ, ऐसा तो सो रहे थे। देखो ना मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरा सामान लेके वहीं चलो। क्या बोला सुनी? एक दिन के लिए जाते तब सामान लेके आती है। तुम कितनी भी कोशिश करो लड़वाने की, हम लोग माँ बेटे भाई बहन नहीं लड़ने वाले, समझे? तुम कितनी भी कोशिश कर लो। ये अब्बा क्या चाहते हैं ये लोग लड़े हुए और फिर मैं नहीं जाऊँ, समझे? इनको बहाना नहीं मिल रहा कुछ, ये बहाना ढूंढ रहे जानबूझ के ना, ताकि नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं कार लेने के लिए, कार लेंगे और आइजल को भी। गाइस पहली बार हम लोग गाड़ी में, तो लंबा ट्रेवल कराए उस दिन, कल कराए थे बहुत छोटा ट्रेवल कराए थे, अब हम लोग उसको बड़ा ट्रेवल कराएंगे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। ठीक है दानी, क्या हो गया, क्या हो गया? चल निकलेंगे गाड़ी लेके आएंगे। तो गाइस मैं गाड़ी लेके निकल चुका हूँ इन लोग को लेने के लिए। गाइस तीन चार दिन जितने भी जनरल रुकेंगे बहुत मजा आने वाली है, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। गाइस आप लोगों को एक से एक व्लॉग्स देखने मिलेंगे। गाइस तो अभी ये लोग को मैंने बुला लिया हूँ हमारे एरिया में, क्योंकि गाइस गाड़ी लेके आप लोग तो पता ही है दूर जाना ही पड़ता है। लेते हैं वो लोग को, देखते हैं गाड़ी में इतने सारे लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, फाइव सीटर गाड़ी और हम लोग है छह लोग, लेट्स सी क्या होता है। आ गई हमारी आइजल यहाँ पर। कितना टाइम तुम लोग, कब से रुका हूँ मैं? क्यों रो रही है? जा रही है इसके लिए विदाई हो रही है इसकी। और गाइस निदा तो पहले ही आ गए, निदा के अब्बा छोड़ के गए उसको, तो लेना चाहिए ना तुम्हारे को व्लॉग, पागल लड़की सब तुम्हारे को बताना पड़ता है क्या? गाइस निदा पकड़ के बैठने वाली है बेबी को, और हमारे कूली भी आ गए दोनों। सामान वामान बराबर उठाए कि नहीं उठाए? जगह करनी पड़ेगी, जगह हो नहीं हो। मेरे को पसंद नहीं छोटी गाड़ी। हाँ छोटी नहीं, बहुत बड़ी गाड़ी है, हाथी है। हाँ देखो ना गाड़ी छोटी लग रही इनको, थोड़ा अंदर हो जा, गाड़ियाँ आ रही है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर लेके बैठी है मस्त, इधर को पूरा रास्ता लेके बैठी है। ये मालगाड़ी 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 नहीं बैठ पाए, बड़ी गाड़ी लो। अब्बा को कॉर्नर में बिठाओ, अब्बा और मम्मी का कॉर्नर में बिठाओ। अरे दानिश को तुम गोद में डब्बा कोने बैठ गए, देखो आप परफेक्ट है कि नहीं? चलो ए अभी बोलो जर्मनी 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 जर्मनी। ए बच्ची भी सॉरी सॉरी। चलो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकलते हैं अभी अपने घर की तरफ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर पे आइजल को लेकर, और सब लोग अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं। निदा आइजल की एंट्री अपन थोड़ी अलग करेंगे, कुछ चावल वावल रख देंगे बाहर, जरा चावल को लात मार के अंदर आएगी। सर पे तेल लगाने का, वरना घर में चूहे आ, घर में चूहे वैसे भी पहले से आएंगे। हाँ वही बोलने वाला था मैं। चलो ठीक है ठीक है, कोई भी तेल लगा दे, सांडे का तेल है अपने पास? सांडे का तेल है तो सर में जो लगाते तेल, अरे वो तेल है अब्बा जो लगाते, वो है कौन सा? इसे बाल झड़ते चमकी तेल है, जो चमकी तेल लगा देंगे। चलो चलते गए ऊपर। मैं पूछ रही की और कुछ रस्म होती है बेबी को जब लाते तो घर पे? ऐसा होता है ना कि जो बच्ची है उसकी नाना को 5-10 हज़ार रुपया देने का, 5-10 पहले 10-20 लाख बोले थे, फटाक से पड़ गए, बोले मेरी मजाक उड़ाएंगे लोग करके। रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग आ जाओ, आइजल नहीं आई, तुम लोग आ जाओ। आओ जो लोग बार बार आते हो लोग के लिए कुछ नहीं। जल्दी आओ जल्दी, कोई इज्जत नहीं, आ जाओ मत आओ। हम है बाकी सब पानी कम है। मेरा जूता भी साथ में लेके आया, जूता बाहर क्यों उतार रहा है, क्यों अंदर लेना चाहिए ना तेरे को पागल आदमी। अब यहाँ पर घोड़े दिख रही थी मैं, इसलिए तो आया मैं, रंग खिल जा रहा मेरा। नहीं नहीं तू रुक जा, स्टेशन में कुली रहते हैं ठंडे मारे आते हैं। चलो अभी बेबी को तेल लगाते हैं। आया तेल आया तेल आया तेल आया, मेरे को ही बाल आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आइजल की पहली एंट्री, आइजल का सीधा पैर अंदर ले, और आइजल की पहली मेरे पैर एंट्री
के लिए शगुन नहीं बाद में ले लूंगा, आपको ब्लॉग बंद करो तो ले लूंगा। आइजल के हाथ में पहुंच गया है शगुन। है ना गोरी दिख रही ना हजरत, अस्सलाम वालेकुम हजरत, आ जाइए अंदर हजरत। बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। चलो आ गई, ताली बजाओ ताली बजाओ। अरे अभी घर में आ गए, अभी बम्बई चालू हो गए यहाँ से, अभी कुछ भी करो, अभी लेट जाओ। निदा का डिसीजन बहुत अच्छा था घर साफ करवाने का, कि बोले जब मम्मी लोग आएंगे तब घर ऑलरेडी साफ रहेगा, भागम दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी नाइस आइडिया, कांग्रेचुलेशंस। मैं घर हमेशा साफ रखती हूँ, बार बार बोलो मत ये। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। और गाइस आप लोगों में बताना भूल गया था, उस दिन जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो हम लोगों का जो पाइप है वो डैमेज हो गया, तो ये अभी इसको चेंज करने की बारी आई है, उसको निकालना पड़ेगा यहाँ से पहले तो। और हम लोगों ने नया पाइप लेके आए, अब देखते हैं इसमें फिट होता है कि नहीं। और नहीं फिट हुआ तो पूरी रात मेरे को बिना उसके रहना पड़ेगा, वहाँ पे बाल्टी रखना पड़ेगा मेरे को। हाँ मैं करता हूँ सुसु के लिए। यहाँ मेरे हस्बैंड प्लम्बर बन चुके हैं, कैसा ना जिम्मेदारी आ जाती है तो लड़का क्या क्या नहीं बन जाता है। बनना ही पड़ता है, प्यार करो तो निभाओ भी। प्यार नहीं घर संभालना होता है उसको बोलते हैं, हस्बैंड की ड्यूटी है घर संभालने की। वाइफ नहीं कर सकती है सब, कर सकती है, मैं करती थी जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, पर तो तुम कुछ करने के लिए बचे हुए हो। ऐसा मत भूलो यार, नहीं हो रहा है भाई, और को बुलाना पड़ता लगता है किलो को, मेहनत वाला काम है। वहाँ से ब्लॉगिंग और एक चालू है। तो गाइस बड़ी मुश्किल से पाइप लगा है, हम लोग अंदर घुस घुस के आधा घंटा लगा है अब्बा और मैंने कैसा कैसा करके उसको निकाले। पहले मैंने पाइप लगाया, फिर मालूम पड़ा कि उसमें रबड़ भी लगता है, तो रबड़ निकालने के लिए आधा घंटा गया, फिर रबड़ लगाया, फिर लगाने में आधा घंटा गया, बहुत टाइम लगा। फाइनली हमारा वॉशरूम हो चुका है चालू, और निजा सुकून से जा सकती है क्योंकि निजा भी रुकी थी वॉशरूम जाने के लिए। ठीक है तो मैं भी फटाफट चेंज करूं, तुम भी चेंज पड़ा, तुम तो मस्त एकदम चेंज करके आउटफिट में आ गए। फटाफट चेंज करते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर थोड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत थक गया। सब कुछ हो गया, चेंज वगैरह कर लिए, और गाइस यहाँ पे देखो कौन आया मिस बार टाइम पास करने के लिए, इसको कोई ना कोई टाइम पास चाहिए रहता है। हाँ नया गद्दा, आइजल आइजल का गद्दा आया गाइस, आइजल का गद्दा आया। चलो ठीक है, बोलो मसल बन गए, मसल देंगे इसको। तो गाइस मैंने एयर फ्रायर में डाला था गाइस, ओ हो फ्रेंच फ्राइज नहीं ना चले नहीं, खाके चेक तो करूं। अबे कच्चे नहीं था अभी भी, देखो बोरा सुनती नहीं है। कल रात में हम लोग सब सो गए थे, हम लोगों ने इतनी मस्ती की, इतना खेले इतना कूदे कि थक के मारे सब सो गए 15-15 मिनट में। और गाइस फाइनली हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और सुबह सुबह बहुत ही अब्बा ने मीठी बात की है, बोले कि तुम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हो बेटा यहाँ पर, हम मेरे को बीमार हो जाऊंगा मैं। हाँ अब्बा सुबह उठने की आदत नहीं ना तुम्हारे को, जल्दी तो अब्बा सुबह 7 बजे तो सोए, सब लोग जाएंगे नहीं क्या, देखो ये भी नींद में, वो भी नींद में, मम्मी भी नींद में, बोला मम्मी भी बेचारे नींद में सोते, मैं 2-2 घंटे से हूं। फिर वो तो बेचारी कितना सो सो के वो करती है, तो भी सोते थे। निदा को भी रात भर दर्द होता है, वो भी सो नहीं पाती, उठती रहती है। हाँ हम लोग को बिस्तर पे पड़ के कम से कम आधा 1.5 घंटा लगता है सोने में, मम्मी फिर सबका अपना अपना है, मम्मी लिविंग द लग्जरियस लाइफ। हाँ आराम से उठेगा ना इंसान। अरे इनकी बात नहीं है, मम्मी को आराम दो ऐसा बोल रहे हैं। मैं भी आराम ही करती हूँ। सही बात है, सही बात है। तो गाइस फाइनली निदा भी आ चुकी है रेडी होके, गुड मॉर्निंग अब्बा क्या है अभी बोला, अभी तुम बोले थे जल्दी बोलो, जान दो भाई गुड इवनिंग, देखे फटाफट नाश्ता करो फिर जाएंगे। नहीं मैं भी नहीं किया, नहाया भी नहीं, छी क्या बात थोड़ी आ रही मेरे आंख में से। हाँ नहीं तो फाइनली हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, और अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं अब्बा की शॉपिंग करने के लिए, और दानिश की भी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब्बा मम्मी गांव जाने वाले हैं, तो अब्बा मम्मी बोले कि चलो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, गांव में अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनेंगे शादी में। देखो यहाँ पे नौशीन और दानिश तैयार हो रहे, और गाइस यहाँ पर मम्मी तैयार हो रहे। अरे माँ कसम मम्मी तुम तो एकदम खतरनाक, निदा कहाँ गई कपड़े ढूंढ रही? गाइस इतनी मजा आ रही ना हम लोग को, घर में नया बच्चा भी है और सब घर वाले भी है, यहाँ पे मस्ती मजाक कर रहे, सब अलग अलग अपना तैयार, और अब्बा का मूड भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, मतलब क्या
और गाइस एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, वो आप लोगों को हम लोग बताएंगे। मतलब आप लोग जो चाहते थे गाइस वो होने वाला है। वैसे आप लोग कमेंट हिल जाएंगे। क्या पता किस सब्सक्राइबर की दुआ लगी हो, क्या पता। सही बात है। बहुत मजा आ रही है ऐसा फैमिली। अरे बस भाई बस समझ गया मैं। और गाइस मेरे को बहुत सारे हेट कमेंट आ रहे हैं कि बोलो तुम अपनी मम्मी को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हो। मम्मी तुमको डिसरिस्पेक्ट करता हो क्या, तुम्हारी इज्जत नहीं करता क्या मैं? हम लोग ऐसी बात करते थे, मेरे बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं, हमारे दोनों बहुत अच्छी इज्जत करते माशाल्लाह। ऐसे बच्चे अल्लाह नसीब वालों को। आमीन आमीन गाइस। ऐसे बच्चे बहू अरे नालायक दामाद। मम्मी बोलते मेरे को इतनी अच्छी बहू मिली लेकिन दामाद नालायक मिला बोलते। झूठे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हम लोग आ चुके हैं शॉपिंग करके यहाँ पर, और मोमोज खाना है क्योंकि गाइस हम लोग आइजल को सोचे कि थोड़ा बाहर का भी रास्ता दिखाएंगे, उसको समझ में तो आने वाला है नहीं, और फिर भी दिखाना हमारा काम है। देखो ये देखो जहाँ लेडीज लोग है पीछे देखो, लेडीज लोग रुकते ना चप्पल मशीन यार। मामा के पास आ गई, देखो ना पकड़ने का मौका नहीं मिल पाता नहीं यार। इसको लेके अभी वॉक कैसे करोगे? बड़ी हो जाएगी ना, उसको मैं स्टीयरिंग पे बिठा लूं। स्टीयरिंग पे बिठा के कैसे करोगे? अपन दोनों बच्चे को, अपना बच्चा भी और ये भी, दोनों को एक टांग पे इसको, एक टांग पे इसको, दोनों को एक स्टीयरिंग पकड़ा दूंगा। दोनों के लिए फेक स्टीयरिंग बनाएंगे था क्या बोलते हो? हां दोनों के लिए फेक स्टीयरिंग बनाएगा, पीछे की सीट पे, आगे की सीट पे मैं बैठ के मैं भी स्टीयरिंग लगाऊंगी, तुम भी स्टीयरिंग लगा लेना। हां कंपटीशन लगाएंगे हम चारों। मुझे एक चीज अभी पता चली है कि बच्चों को अत्तर की खुशबू बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने मेरे दोनों शोल्डर पर अत्तर लगाया, उसको मैं जब भी यहाँ रख रहा हूँ तो ये रो रही, इसका मतलब यही है कि इसको अत्तर नहीं समझ में आ रहा है। खाना खा के हम लोग आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट किए सब लोग। गाइस देखो सब अपना अपना बैठ के एकदम चिल कर रहे, और अंदर मम्मी ये लोग क्या कर रहे, तुम लोग क्या कर रहे हो गाइस? आइजल को तैयार कर रहे गाइस ये लोग, क्योंकि हम लोग आइजल को लेके जा रहे हैं दावत पे खाने के लिए। गाइस आइजल खाएगी उसके माँ बाप और उसके नाना नानी ठूसने वाले गाइस, ठूसने वाले। देखो मम्मी खाएगी तो उसकी मम्मी के दूध के जरिए तो आइजल खा लेगा, और है ना आइजल की मम्मी, मम्मी की मम्मी खाएगी तो मम्मी को पहुंचेगा ना, मम्मी को पहुंचेगा क्या वाईफाई? नाना का भी लोग बोल रहे हैं देखो। तो गाइस चलो चलते हैं खाने ढाबे पे, बहुत टाइम हो गया ये लोग यहाँ के ढाबे पे नहीं गए, हमें मुमरा में ढाबा जाने वाले कोई तो गाइस, तो चलो चलते हैं वहाँ पर, बहुत मजा आने वाली गाइस। एंड तक वीडियो जरूर देखना, आइजल की पहली दावत है हमारी तरफ से, तो पहला जो रहेगा गाइस शगुन का वो अच्छा ही होना चाहिए इंशाल्लाह। तो गाइस हमारी प्यारी वाइफ हो चुकी है रेडी, और इसने पहनी है ब्लैक कलर का अबाया, क्रीम ब्राउन क्रीमिश बेज कलर का हिजाब। तो निदा रेडी हो आप चलने के लिए आइजल की दावत के लिए? लेट्स गो देन। मस्त लग रहा, खूबसूरत, अति सुंदर। थैंक यू। तो गाइस माशाल्लाह हमारी आइजल हो चुकी है तैयार, और उसने प्यारे प्यारे जूते पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है। और कपड़ा है ना गाइस आगे से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आगे कुछ शाइनिंग का लिखा हुआ है, मैं आप लोग को बताऊंगा बाद में जब वो थोड़ा मूड में रहेगी खेलने के, अभी वो सो रही है क्योंकि अभी वो दूध पिए गाइस। चलो चलते, इतना लेट कर दी ना लोग ने, और गाइस इस बार तो आइजल ने भी बहुत ज्यादा लेट कर दी, क्योंकि आइजल को नए कपड़े पहने, वैसे उसने उल्टी कर दी, फिर उसको नए कपड़े पहने, फिर उसने उल्टी करी, तो उसको थोड़ा बिठाना पड़ा हम लोगों को, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मतलब लड़कियों की आदत ही होती है नहीं? Yes, सही बोला कि नारी की मेरी आदत है, मैं लेट तैयार होंगी, मामा ध्यान रख लो समझे। तो गाइस अगर हमारी लड़की हुई तो मतलब एक घंटे का दो घंटा होएगा, और लड़का हुआ तो हमारा तो हो जाएगा आधे घंटे में, बट आइजल का नहीं हो पाएगा। हाँ देखो ना, माँ बेटी दोनों ऐसी रहेगी, फिर पहले ये एक घंटा तैयार होगी, फिर आइजल बोलेगी मम्मा मेरे को भी तैयार करो, तो वो भी एक घंटा तैयार होगी। फिर चलो चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका वैसे भी, लेट्स गो। अब गाइस ये लोग ने क्या किया मालूम, कपड़े जो हम लोग ने लिए ना लोग की शॉपिंग के लिए, मैं दिखाता हूँ, ये डिक्की में ही छोड़ दिए सारे कपड़े, अभी अब्बा यहाँ पर कपड़ा चेंज करेंगे। ये देखो गाइस यहाँ पे चेंज करके रेडी हो गए अब्बा, अभी दानिश भी चेंज करने वाला है। सही बात है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पे, और यहाँ पर गाइस हम लोग खाना खाने बैठ ही रहते हैं कि मैंने सबको पूछा आइजल जो जो मंगवाने बोलेगी हम लोग खाली वही चीजें मंगवाएंगे। पूछ लो सर आइजल से, नहीं क्या मंगवाने गए? आइजल को खाना है क्या? आइजल को खाना है तो आइजल भीख मंगी से आवाज क्यों निकाल रही है? ऐसे कभी पहले खाई नहीं हो आइजल की आवाज, मैंने सुनी ही नहीं अभी जाके, तो बस की आवाज कैसे निकालूं? मैं तो सुना हूं ना, आओ 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 आओ, अपन बात कर रहे थे ना पहाड़ आई है, दोनों से ओ ओ कर रही है, जागी तो उड़ गई। मुँह खुल रहा है, हाँ तेरी अपनी माँ की तरह भूखी है। मैंने मसाला पापड़ मंगवाया, लोग सबको मैंने पूछा तुम लोग को भी, चलो बोले नहीं, अब सबकी नियत यही पर है, सब यही पर देख रहे समझे, देख रहा हूँ मैं तुम लोग को। और मम्मी बार बार पूछ रहे ये क्या मंगाया है, मैं चका मेला हटो खा भी ले तुमने, देखो निदा तुम्हारी चक्कर बार बार वो उठ रही है। अच्छा सॉरी, तुम्हारी आवाज की क्या है, मेरे को लगता है अगर अपना बेबी होगा ना तो तुम्हारे रोस्ट में वो लाना पड़ेगा फिल्टर, म्यूट का बटन, ताकि तुम्हारे बार बार उसको चौंकना करना पड़े, मैसेज करना तो कुछ काम हो तो इग्नोर। तो गाइस यहाँ पे खाना आया,
और हमारी आइजल बहुत ज्यादा रो रही है, पता नहीं कि उसको क्या हो गया, उसको खाना अच्छा लगा मेरे ख्याल से, उसको बिल भरना ना पड़ जाए इसके लिए रो रही है। आइजल सूची में चुप हो गई यार, इसके लिए अच्छा खासा वहाँ बैठा था ना, मेरे को आइजल से दूर कर दिया तुमने। अरे तो कहाँ बैठी नौशीन फिर? नौशीन में तो वहाँ बैठी अच्छे से। हाँ नहीं तो पागल लड़की, पागल औरत। गाइस ये रहा देखो खाना मस्त वाला एकदम, और वहाँ पर भी है गाइस देखो। अब्बा क्या खा रहे हो? फिर रो रही है आइजल बेबी। हाय बेबी आइजल, क्या कर ले हो, कितना क्यों लो ले हो? उसको भूख, चुप हो गई, चुप हो गई। तो गाइस आ गई हमारी सेकंड डिश, इसका नाम क्या है? बुम बुम, बुम बुम चिकन। बुम बुम हो गया तुम्हारे मुंह पे पूरा, कहाँ से लग रहा है यार ये? इधर नाक पे भी लगा हुआ था। हाँ निकल गया। तो गाइस माशाल्लाह बहुत अच्छे से हम सब लोग ने खा लिए पी लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गई हमारी दावत। और आइजल को पूछते अभी उसको कैसी लगी दावत? लगा बेटा अच्छी लगी, अच्छा लगा, अच्छा लगा। क्या आइजल की आवाज बैठ गई? बिल नाना भरेंगे क्या बोली बेटा? अच्छा देखो देखो बोली नाना, चलो अब भर दो जरा, जरा भर दो, देखो हाथ उठाए, बिल कौन भरेगा? नाना भरेंगे, देखो हाथ उठाए, देखो। हाँ बेटा समझ गए हम लोग, दावत अच्छी लगी बेटा। नाना बोलते हो गेट से निकलो अभी फटाफट। तो चलो फिर इनको देखो पेट ढूंढने के लिए चलते हैं अपन। मैं भर चुका हूँ पहले ही। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो है वो पार्टी और दावत सब खत्म हो चुकी है। आइजल को हमने पूछा, आइजल ने बोली यस बहुत अच्छी लगी पार्टी। और गाइस मैं आप लोगों को आइजल की ड्रेसिंग दिखाता हूँ लास्ट में, ठीक है? उसका फेस छुपा के आइजल ने ये वाला ड्रेस पहनी थी माशाल्लाह। तो गाइस व्लॉग को इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज़।